बेसिकली यहाँ पर हमारा वाइडनिंग एज वेल एज हमारा जो ये फ्लाईओवर बन रहा है संग्रामा में, इसकी वाइडनिंग में हमारा ये मकान जो गुलाम नबी शायद मलिक का उसका मकान आ रहा था, तो उसको काफ़ी टाइम से हमने गुजारिश की बहुत टाइम से, बट इन्हें कोर्ट का कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने इसको डायरेक्शन दे रखी थी, एंड उसके बाद ही फिर सबसिक्वेंटली हमें वर्दे डिप्टी कमिश्नर से डायरेक्शन आई है कि आपने इसको एविक्शन करनी है, सो दैट हमारी रिक्वायर्ड हमारी जो विडत है हमारे संग्रामा हाईवे के लिए एज वेल एज जो हमारा यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, एंड हमें इसको इविक्शन करने करके हमारा तहसीलदार मेरे साथ है, ये उसको हैंड ओवर कर देगा हमारे जो इसके बीकन अथॉरिटीज़ है हाईवेज़ की, ताकि आपको कि माशाल्लाह अच्छा यहाँ पर फ्लाईओवर बन जाएगा, साथ ही साथ के हाईवे की वाइडनिंग हो जाएगी। रहा सवाल इसकी इनके नोट्स में, इसको पहले हमने पहले बता रखा था, आज से करीबन एक दो महीने से इसको हम काफ़ी कॉरेस्पॉन्डेंस में थे, एंड दो दिन पहले मैंने खुद इनको अपने पास बुला के खुद मैंने इसको बता दिया था 24 घंटे में बेहतर है खुद ही निकाल दे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अभी भी हमने यहाँ पे और कुछ डिमोलिशन करनी थी, बट यहाँ पे काफ़ी सारे बुज़ुर्ग हैं, यहाँ पे जो माला कमेटी है खुद जो हमारा जो ये हमारा बुज़ुर्ग है गुलाम ये मलिक साहब, तो इन्होंने कहा कि हमें शाम तक टाइम दीजिएगा, एंड उम्मीद है हम इनको शाम तक टाइम दे रहे हैं, ये मकान खुद ही गिरा देंगे ताकि हम और इनको नुकसान हमारी तरफ से ना हो जाए, एंड साथ ही साथ जो जितनी हमारी एरिया हमें जितना चाहे रोड के वार्डनिंग के साथ वो हमें मिल जाए, एंड इसका काम कल से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जितने भी हमने आज के टाइम पे जहां लगे हमें डिमोलिशन करनी है पहले इनको बता भी रहे हैं, बट सेकंडली ये भी है कि कश्मीर 2-3 साल से इसकी एक्विजिशन प्रोसेस में है, तो इनको खुद भी पता है कि ये प्रोसेस में आ रहा है, इसको निशाने लग गए हैं, एंड कितनी हमने विडत लेनी है इनके नोट्स में पहले भी है, एंड हमें भी ये कोशिश ये रहेगी बिकॉज लोगों की कन्वीनियंस हमें चाहिए, पब्लिक चाहती है रोड, एंड होना भी चाहिए कि हमें कमिटमेंट है इस साल के एंड तक ये रोड हम कंप्लीट करके देंगे पब्लिक को, एंड उम्मीद है कुछ बॉटल नेक्स थे 2-3 जगह पे उनको सबों को हमने निकाल दिया, एविक्शन कर दिया, ये लॉस था एंड आज ये भी हो गया, इंशाल्लाह उम्मीद है हम बारामूला के डिस्ट्रिक्ट को एंड नॉट ओनली बारामूला डिस्ट्रिक्ट को कुपवारा को इनको अच्छा रोड मिल जाए। सब उनसे ये गुजारिश रहेगी टाइमली अगर कहीं पर हमने टाइम दिया है कि ये खुद इसको निकाल देंगे, खुद डिमोलिश करके जो उसमें एरिया आ रहा है जो एक्वायर्ड एरिया है जो उनको इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट को देना चाहिए, बिकॉज इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट आज रात दिन काम कर रही है, यही हमारा 3-4 महीने हमारे वर्किंग सीजन है, नवंबर जाएगा तो फिर हम मैडम नहीं डाल सकते, तो हमें सबों की गुजारिश होनी है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हमारी ये कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द कि लैंड जितना भी एक्वायर्ड एरिया में आ रहा है इसको हैंड ओवर कर देंगे इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट को, एंड इसकी ये जो केस था मकान का इसमें इशू ये था कि इसमें सिटे चल रहा था, इस बेस पर के जो इसकी अवार्ड हो रहा था वो बिल्कुल कम था, मतलब क्योंकि जो रूल है कि रिहैबिलिटेशन होनी चाहिए, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि ये बंदा ऐसा ही मकान अगर ज़्यादा नहीं तो ऐसा ही मकान कहीं ना कहीं बनाना चाहिए, लेकिन जो इसमें रेट दी गई थी वो बिल्कुल कम थी, उसके हवाले से हमने एप्लीकेशन डाली थी उस टाइम डीसी साहब को, लेकिन डीसी साहब ने उस टाइम मार्क तो एप्लीकेशन की थी एसी साहब पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद हमें जाना पड़ा हाई कोर्ट ने इसको जब देखा तो जब उन्होंने एस्टिमेट देखा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से थ्रू एस्टिमेट देखा कि फ़र्क देखा कि कितना फ़र्क है, तो उन्होंने सिटे दिया, तो सिटे के बाद ये केस चल रहा था, उसके बाद जब अभी सिटे चल ही रहा था कि एडीसी साहब हमारे पास आए और उनने बोला हमें कि आप एक और एक एप्लीकेशन दे दो रीअसेसमेंट के लिए, तो मैंने वो एप्लीकेशन इनको दे दी रीअसेसमेंट के लिए, उसमें मैंने ये लिख दिया कि अगर आप रीअसेसमेंट करोगे और मुझे इनहेंस करोगे मुझे लगेगा कि मेरे साथ इंसाफ हुआ है जस्टिस हुई है तो मैं खुद ब खुद इसको हटा दूंगा, तो जो ही उन्होंने टीम भेजी टीम के बाद उन्होंने रीअसेसमेंट किया, लेकिन रीअसेसमेंट करने के बाद जो वैल्यू था उन्होंने मुझे नहीं बताया, तब तक लगभग 20 दिन हुए कि उस वैल्यू को बताना था उन्होंने कि कितना हुआ क्या हुआ वो उन्होंने नहीं बताया। दूसरी बात तब तक कोर्ट में भी केस चल ही रहा था तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया इसको, ये ऑर्डर है अभी हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है कि इसमें आर्बिट्रेशन कर दो, तो आर्बिट्रेशन जो हो रही है वो हो रही है सेक्शन 3G 1956 जो रूल होता है रोड का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग होती है, उसमें आर्बिट्रेशन में ये हो रहा है कि उसमें दोनों टीमों को दोनों मुतहरिक को बुलाना पड़ता है जो आर्बिट्रेटर होता है। पहली बात यह कि मुझे पता ही नहीं आर्बिट्रेटर कौन है, दूसरी बात यह कि आर्बिट्रेशन हुआ ही नहीं, तो कोर्ट का ऑर्डर ये है ही नहीं कि इसको डिमोलिश कर दो, कोर्ट का ऑर्डर है कि ये आप देख सकते हो कि ये इस पे लिखा है कोर्ट के ऑर्डर पे ये लिखा है कि इसमें आप डिस्पोज ऑफ हमने केस किया, तो केस जो डायरेक्शंस ये दी गई है कि आप इसमें आर्बिट्रेशन कर दो, डायरेक्शंस डीसी साहब को दी गई कि आप आर्बिट्रेशन कर दो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3G ऑफ द एक्ट ऑफ 1956
विदाउट एनी फर्दर डिले, ये डायरेक्शन हुई है। तो डीसी साहब को आर्बिट्रेशन करानी थी पहले, लेकिन उन्होंने आर्बिट्रेशन नहीं की, ना हमें पता है ना कुछ पता है, ये स्लिप ऐसे ही आ गए। तो उन्होंने किया कि हम इसको डिमोलिश करेंगे। मैंने अपने जो एडवोकेट मेरा है, तो क्योंकि वो अभी यहाँ नहीं सकते, वो दूर के हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनको मैंने बताया। तो उन्होंने क्या किया, उनको मैंने बताया, उन्होंने ये बताया कि ये उतार नहीं सकते, इनको नहीं उतारने, क्योंकि उनको बोलो आप मुझे कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ, ये मुझे ऑर्डर दिखा रहे हैं डीसी साहब का ऑर्डर, क्योंकि डीसी साहब को इसके साथ था ही नहीं अभी कुछ, ये कोर्ट का ऑर्डर दिखा है कि जिसपे ये लिखा हो कि आप इसमें डिमोलिशन कर दो। तो डिमोलिशन का कोर्ट का ऑर्डर था ही नहीं, कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ है कि आर्बिट्रेशन कर दो। तो आर्बिट्रेशन होती है रूल के अकॉर्डिंग, जो ये कानून दान है, खुद बोल रहे हैं हम कानून चला रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी काम हो रहा है, जो अभी ये इन्होंने डिमोलिश किया ये बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि ये रूल के अकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, मुझे आर्बिट्रेशन का पता ही नहीं। दूसरी बात ये कि अगर ये बिल्कुल कानून के हिसाब से थे, ये मेरा फ़ोन है, अभी एक घंटे के बाद मुझे फ़ोन थमाया गया वापस, अगर ये बिल्कुल लीगल थे तो मेरा फ़ोन क्यों लिया? अगर ये लीगल थे तो मैं अपने वकील साहब को फ़ोन कर सकता था, मैं किसी और को फ़ोन कर सकता था, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, अपने पास लिया, ये एक ऑर्डर कापी थी अपने पास रखी, अभी ये इन्होंने वापस दे दी मुझे। तो अगर ये लीगल थे, अगर इनका जो ये प्रोसीडिंग अभी था ये सारा लीगल था, तो इन्होंने फ़ोन क्यों नहीं इन्होंने ले लिया, मेरा फ़ोन भी रख लिया, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल जो इन्होंने काम किया ये बिल्कुल सारा कुछ इलीगल हो रहा था, ये सारा कुछ इन्होंने इलीगल किया है, इलीगल वे में इन्होंने इसको डिमोलिश किया, क्योंकि इनको पता है कि हम अभी इनके पास मौका है, हम अभी डिमोलिश करके जाएंगे, फिर देखते हैं कि केस चलता रहेगा। तो एक आज ये दिन है, मैं कहूँगा ये ब्लैक डे है कानून के लिए, जस्टिस के लिए, जो जस्टिस हम बोल रहे हैं, जिस जस्टिस की हम पूजा ये कर रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं कि हम जस्टिस का बोल रहे हैं, लेकिन ये उस जस्टिस के लिए आज ये ब्लैक डे है। मुझे ये इन्फॉर्म नहीं किया गया था, मेरे पास सुबह जब यहाँ पर आ गए तो नायब तहसीलदार साहब आ गए थे, तहसीलदार साहब ने बोला कि हमें आज इसको डिमोलिश करना, मैंने बोला सर आप मुझे ऑर्डर दिखाइए, तो तहसीलदार साहब ने मुझे डीसी साहब का ऑर्डर दिखा, मैंने बताया सर डीसी साहब का नहीं, अभी कोर्ट में केस है, कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कुछ, आप मुझे वो ऑर्डर दिखाए। तो उन्होंने बोला मेरे पास नहीं आप दिखा दो, मैंने ऑर्डर दिखाया, तो मैंने बोला सर इसमें ऑर्डर में क्या डायरेक्शन है, ऑर्डर में डायरेक्शन दे कि आर्बिट्रेशन